तनवा गुरु तनवा गुरु साहिब जियो ये मन प्यारे सदा सच संभाले एह कुटंब तू जे देखदा चले नाही तेरे नाले साथ तेरे चले नाही तिस नाल क्यों चित लाइए ऐसा काम मूल ना कीच जित अंत पछोताइया सतगुरु का उपदेश सुन तू हो वह तेरा नाले सतगुरु का उपदेश सुन तू हो वह तेरे नाले कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले परम सम्मान योग सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र गोद विच बैठ के आप जी ने अमृत बचना दा रस इन्ना कीर्तन और कीर्तन दा प्रकरण सी प्रीत बड़े प्यार दे नाल आप जी ने सरवण कीता है। आओ असी अरदास विचों कल इस शब्द दी विचार ते रुके सां खालसे जी के बोल बाले कल एक बेनती आप जी दे चरणा विच कीती सी के बोलन दा काम जुबान दा है जिसनू असी जीभ भी कहने आ जेहवा भी कहने आ जिस लई गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी ने शब्द रचना भी वरते ते सतगुरु ने क्या कहन लगे बोल बाले दा अर्थ है के ओ बोल जिन्ना तो ऊपर खोर कोई शब्द खोर कोई बोल होवे ना ते ओना बोलियां दा अर्थ उस बोल दा भाव केवल अपने शरीरक तौर ते उच्ची बोलना नहीं ए ओ बोल के जड़ा एक वरी कोई बोल जाए ते मुद्दतां तक लोग उस दे बोले कोई बोला नू कमा के जिंदगी नू कमांदे रहे। आओ करो कृपालता साध संगत जी आपां उसे विषय नू धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे शब्द दी टेक लै के ते तवारीख दे इतिहास दे पन्नियां तों कुछ उदाहरणां लै के इस विचार नू नपेरे संपूर्ण करांगे। धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी आप कृपा बख्शिश मेहर करके विच वरतो सानू अंदर दी एकाग्रता कहन सुन वालियां नू बख्शो तां जो भय भावनी नाल आप जी दे अमृत बचना दी विचार आपां कर सकीए। गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कल जिवें आप जी दे चरणा विच ए अर्ग कर रहा सां कि धन गुरु नानक साहिब जी ने अपनी पवित्र रचना तो जिहड़े बोल बोले ने ओ बोले अज भी सिख अज भी जगत कहिंदा है सब तो श्रोमणी ने ते कल बेनती कर रहा सां एक जबान विचों निकले हुए शब्द ने जिहड़े साडियां दूरियां नूं मिटा के नजदीकियां नेड़े लै आउंदे ने ते ओ भी साडे मुख विचों जीभ विचों निकले बोल ने जिहड़े साडी नेड़ता नूं दूरी भी तब्दील कर दिंदे। धन गुरु अमरदास जी ने एक बचन कहा असी आनंद साहिब दी पवित्र बाणी विच ये दो शब्द
दो पौड़ियां विच्चों आपना सांझ पा के अगे तुरना है। धन गुरु नानक साहब जी की जोत गुरु अमरदास फरमाउंदे ने कि जेड़े लोग अपने कन्ना नाल सत नू सुणदे ने ते कुदरती तौर पर उन्होंने बोले भी जेड़े ने उह सत नाल भिजे हुए निकलदे। जो कुछ वह अपने कन्ना नाल सुणदे पए ने उन्हों अपनी रसना नाल अपनी जुबान नाल लोकां तक पहुंचांदे ने। सहज कृपालू जी नूं ते शब्द वरते ने ए सरवण हो मेरियो साचा सुनना नूं पठाए। जे तू सच दा बोलबाला करना चाहना है ते पहला अपने कन्ना नूं सच सुन दी वादी पा आद पा। जे तू ए कह भी मैं जबान तो सच बोलना पिया ते जे कोई तेरी जिंदगी बारे सच बोलन दा यतन करे ओदी जबान नूं बंद करना चाहे ते अपनी जबान तो बोलना चाहे ये सच दे बोलबाले नहीं होंदे। पहला अपनी जिंदगी विच कन्ना नाल सच सुन दी जरूरत भी कर ते जे सच सुन सकेगा ते फिर सच दा बोला भी तेरे अंदरों निकलेगा। साहब ने उते शब्द वरते ने कि ए सरवण हो मेरे ओ साचा सुनना नूं पठाए। साचा सुनना नूं पठाए शरीर लाए सुनो सत बाणी जित सुनी मन तन करिया होवा रसना रस मन। के बोल दे जबान पई कह सुनते कन पए ने ते धन गुरु अमरदास कहिंदे जदों तू कन नाल सच्चे बोले सुनेगा ते ऐ गुरु के सिखा तेरी रसना नूं स्वाद आएगा ते ओ रसना भी फिर सच दे बोले बोले। ते जिन्हां ने सच दे बोले नूं सुनिया ते गुरमुखो उन्हां दी जबान विचों निकलिया होया भी सच उन्हूं इन्ना कु गुरु ने मान दिता उन्हूं इन्ना कु शुद्ध कर दिता कि ओहदे बोलियां नूं लोक अज भी मनदे पए। धन गुरु अमरदास जी ने बचन कहा जदों असीं पढ़ने हां कि कर किरपा किल विख कटै जदों दाता मेहर करे अंदर दे पापा नूं दगद करदा है। कर किरपा किल विख कटै ज्ञान अंजन सारिया अंदरों जिनका मोह टुटा तिनका शब्द सच्चा सवारिया। जिन्हां दे शब्द नूं शब्द दा अर्थ इत्थे बाणी नहीं मैं कई बार अर्थ करना शब्द का इतने गुरु ग्रंथ साहब का शब्द नहीं इतने शब्द अर्थ तीन का शब्द उन्होंने बोले नूं गुरु ने इन्ना कु सवार दिता कि उन्होंने बोल तो उच्चा होर कोई बोल है ही तीन का शब्द सच्चा सवारिया। हुण जिन्हां दे बोले सदा रहने नहीं उन्हां उत्ते गुरु अर्जुन साहब कहिंदे मेरे परमात्मा दीआं तीन बख्शां हुंदीआं। देखो उन्हां दे बोले जदों ओह बोलदे ने तां गुरु अर्जुन साहब दा इह शब्द असीं पढ़ने इस करके अर्ज करनी चाहना क्योंकि अक्सर असीं इह शब्द जदों दाता कोई सानूं दात दे ते अपने नाल टुका के कहिंदे आ भी इह शब्द जरूर पढ़ो कि जो मंग है ठाकुर अपने ते। असल विच इह खालसे दा बोला है इह ब्रह्म ज्ञानी दा बोला है इह संत दा बोला है एक करनी वाले ओत पोत अंदरों जुड़े हुए दा बोले एवें नहीं कि घरों उठिया ते मैं कह दिता मेरे लिए शब्द पढ़ दो सच जानो। ठीक है शब्द सुनना पढ़ना बड़ी चंगी गल है पर भरम नूं ना पाल दे रहीए कि शायद ये बोले मेरी दबान दे बोले। पहली बेनती करा गुरु अर्जुन साहब ने कहा ये बोले किन्ना दे ने जी उन्होंने पहला शब्द वरतिया कहिंदे जिन्हां दे सिर उत्ते मेरे रब दा हाथ होवे ये उन्हां दे बोले। दूसरा शब्द क्या कि जिन्हां दे उत्ते मेरे परमात्मा दी नजर होवे ए उन्हां दे बोले ने। ते तीजा शब्द क्या केवल हाथ ते नजर नहीं जिन्हां नूं मेरे गुरु ने कुट के अपने सीने नाल ला लिया ए गल विच लग्या होया दे बोले। उस शब्द विच तीन गल्लां पहला कहियां ने ते असीं उह पढ़ने आ चतुर दिशा तीनों बल अपना सिर उपर कर धारियो। जे बोल बाले करने ने ते अरदास कर मेरे सतगुरु मेरा बोला तां रहेगा जे तेरा हाथ मेरे सिर दे उत्ते होवे। कहन लगे चतुर दिशा तीनों बल अपना सिर उपर कर धारियो सिर उत्ते हाथ होवे। ते दूजी उस बोले वाले की निशानी है कृपा कटाख अवलोकन तीनों दास का दुख विधारियो ओहदे ते कृपा कटाक्ष होवे ओहदे ते मेहर भरी नजर होवे। ते तीजा बचन कहन लगे प्यारे कृपा कटाक अवलोकन कीनो दास का दुख विदारे हर जन राखे गुर गोविंद
जड़े बोले बोलते ने वह गुरु तो टुटे हुए ने, वह इन्ने कु जुड़े ने, कंठ लाए अवगुण सब मेटा दयाल पुरख बख्शंद, जिन्हां दे फिर उपर कर धारियो, जिन्हां नू कृपा कटाख अवलोकन कीनो, जिन्हां नू कंठ लाया होया फिर जदों वह अपनी जबान तो बोलते ने उन्होंने साहब कहते ने जो मंग है ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, नानक दास मुख ते जो बोले ओवे खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु। ध्यान दियो हजूर कह रहे फिर जो मंग है ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, नानक दास मुख ते जो बोले इहां उहां सच होवे, ओ बोला जरा इथे भी सच होवे ते परमात्मा की दरगाह विच भी सच हो। कई बारी असानू कोई ना कोई उदाहरण लेनी पैंदी भी ये किवें हो सकदा है। भाई गुरदास उन्हां ने एक पौड़ी बहुत प्यारी इस संबंधी कही है, भावें ये उदाहरण बहुत पुराणक है, ते अर्ज करां सिर्फ बेनती करनी है भी जिहदे बोलां विच रब वरतदा है उहदे बोले इत्थे ते उत्थे झूठे नहीं। असीं कई बारी ये पढ़ने आ भगत वड्डा राजा जनक है गुरमुख माया विच उदासी, उहदे बोलां ने करोड़ां लोकां दीआं जमां दीआं फाइयां कर दित्तियां, उहनां बोलियां दा फिर ध्यान धरिया जांदा है। कहिण लगे भगत वड्डा राजा जनक है गुरमुख माया विच उदासी, देव लोक नूं चलिया गण गंधर्व सभा सुखवासी, जमपुर गया पुकार सुन गल लामन जी नरक निवासी, धर्म राय नूं आखियोस उहने बोलिया, उहदे अंदरों इक बोला निकलिया धर्म राय नूं आखियोस सबना दी कर बंद खलासी, ते जिदे फिर बोले खालसे ही होन ना उहदे अगे हाथ जोड़ के धर्मराज भी खलो जांदा, खालसे दे बोल बाले होन धर्मराय नूं आखे उस सबना दी कर बंद खलासी, करे बेनती धर्मराय खौ सेवर ठाकुर अगनाशी, कहन लगे मैं इन्हां नूं छड नहीं सकदा, जिन्नी देर तक इन्हां दे जितने कीते पाप ने उन्नी कोई कमाई अपनी देवे। हुण देखो उहदे अंदर सच, सिर मैं उदाहरण अर्ज कर रहा अंदर सच है, उसने इको शब्द कहा कहने जे मैं कमाई की है ना मेरी कमाई विचो जितनी कमाई लग सकती है इन्हों की बंद खलासी कर दे। उस वेले कहने गहने धरियो ने एक नाओ पापा नाल करे निरजासी, पर संग पाप ना पुजने गुरमुख नाओ अतुल ना तुलासी, नरको छुटे जी जंत कटी सिल गलो जमफासी, ते केरे बोले मुकत जुगत नावे की बस। जिदे कोल परमात्मा दे नाम दा बोल बाला होवे, जिदे कोल वाहिगुरु दा नाम होवे, खैर आओ आपां इस विषय ते अगे तुरिए। हजूर कहिंदे ने इक बोले ओ ने जिन्हां दा ध्यान करके लोग जीवन कमांदे पए ने, इक बोले ओ ने जिहड़े बंदे दे अंदर नूं आप भी सारदे ने ते जदों दूजा कन्ना में सुरदा ते अंदर ओहदा विसार दे पए। दो प्रमाण दे के अगे तुरने, असीं जदों गुरु नानक साहिब दे बचन बोलने हैं कहिंदे ने ओ बोला बोल जिहदे बोलन नाल तेरी समाज विच इज्जत बन जाए, ओ बोला बोल जिहदे बोलन दे नाल तेरी परमात्मा दे घर भी सांझ पै जाए, ओ बोल बोल जिहदे बोलन दे नाल लोकां दे अंदर नूं शीतलता मिले। साहब ने उस बोलियां संबंधी एक बचन कह कहन लगे जित बोले पत पाई है, इहने खालसा ही बोले, जिहदे बोलन नाल लोक परलोक विच पत बनदी होवे इहो जिहा बोल बोल शब्द वरदे ने। जित बोले पत पाई है सो बोलिया परवान, ओ बोलिया परवान है जिहड़ा रब दी दरगाह विच इज्जत दवाए, फिक्का बोल गुचना सुन मूर्ख मन आ जान, जे तू जबान तो फिका बोल के किसे नू गाला कढ़ी जाने ते मगरों कह खालसा वीर रस विच मैनू खिमा करियो, ओ खालसे दे बोले नहीं, ओ अमृतधारी दे बोले नहीं, ओ गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्र दे बोले नहीं हो सकदे। साहब कहिंदे ने जित बोलिया पत पाईए सो बोलिया परवान, फिका बोल गुचना सुन मूर्ख मन आजान, सतगुरु फिका बोल के गुची दा किवें वे, ये ता कह दता वैसे विगुचन का अर्थ हुंदा खुआर होना, दाता जी किवें विगुची दा फिका बोल के। उत्थे फिर मेरे साहब ने एक शलोक किया आसा की वार दा, नानक फिक्का बोलिया तन मन फिका होए, एवे विगुचना जदों तू फिका बोलेगा खुआर की होवेगा, तेरा अपना तन भी बिल्कुल फिका पै जाएगा। असलियत है
कि जदों आपां अपने अंदर नूं रुखियां रख के गल करांगे ते जेड़ा बंदा रुखा बोलदा है ना उस बंदे दा अंदर कदी नहीं भिज्जिया होया नहीं हो सकता। जेड़ा बंदा भिज के बोलदा है मेरा रब मेल करे ज्यादातर वह लोग ने जिन्हां दे अपने अंदर भिज्जे हुंदे ने। कदी तक कोई एक उदाहरण अर्ज करा, लू गर्म चलदी पई है, तन नूं उह चमड़ी नूं सारदी पई है, ते जे किते ठंडे पानी दा दरिया कोल वगदा होवे ते उस दरिया विच इशनान करके बाहर निकलो ते ओही लू जिहड़ी है बंदे नूं ठंडी लगन लग पैंदी। क्यों? एक घड़ी पहला वह तन नूं सारदी सी, हुण तन की चमड़ी नूं ठंड क्यों? कहन लगे दा कारण इह वे कि असल विच तू आप ठंडा हो के आया है, तेरे शरीर नूं लगा होया जल पानी उहदी तसीर ठंडी ते लू भी ठंडी लगन लग पई है। जेड़ा आप ठंडा होवेगा उहदे अंदर कोल बैठिया भी ठंड पैगी, ते जेड़ा आप ही अंदरों सड़िया भुज्जिया पिया है सच जाणो उहने किसे दे अंदर नूं टिका नहीं दे देना। मेरे गुरु नानक साहब ने शब्द वरते ने कि नानक फिक्का बोलिया तन मन फिक्का होए, फिक्को फिक्का सदिया फिक्को फिक्की सोए सोए दर्श दा शोभा। बगैर दर्शन तो लोकी अगे जाके दस दिंदे ने फलाने बंदे नाल गल ना करी, बड़ा भैड़ा बोलदे, बड़ा रुखा बोलदे। साहब कहिंदे उहदी चार चुफेरे मशहूरी फिक्का बोलन करके हो जांदी। नानक फिक्का बोलिया तन मन फिक्का होए, फिक्को फिक्का सदिया फिक्के फिक्की सोए, फिक्का मूर्ख आखी है दरगाह लै सजाए। उस बंदे नूं रब की दरगाह विच पाणा की सजा मिलती है, उन्हूं जुत्तियां की सजा मिलती है जिहड़ा केवल जबान तो फिक्का बोली जाए। साहिब बाबे फरीद नूं पुछो, वह कहिंदे ने जबान तो बोलण वालिया इन्ना कु फिक्का ना बोली। अज बहुत खेद लगता है, असीं गल धन गुरु ग्रंथ साहिब की करनी, कई वारी यह भुलेखा पाण दे लई संगत विच कि यह बुलारा जिहड़ा बहुत कड़कना बोलदा है, इहदे जबान इह जदों बोलदा बस लोकां दी धन धन करा दिंदा है। मैनूं खिमा करिओ, मेरे गुरु नानक की रचना बिल्कुल फिक्की नहीं, ते जे कोई निजी कौमे दे शब्द विच वरदा पे उह गुरु नानक दे बोले नहीं हो सकते। गुरु तो है ही नहीं बोलड़ा जी, हर सज्जन स्वामी मोरा हौ संभल थकी जी, वह कदे ना बोलै कौड़ा। बाबा जी कहिंदे कौड़ा बोल ना जाने, पूर्ण भगवान है औगुण को ना चितारे। मेरे गुरु दे ते बोले ए ने कि खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल, मेरे गुरु दे ता बोल ए ने कि तेरी चाल सुहावी मधुराड़ी बाणी कोकन कोकला तरल जवानी, तेरी ता मेरे दाता चाल सारंग की तरह हाथी की तरह मस्त है, ते तेरे बोल जड़े ने वो कोयल नालों भी वध मिठे ने। ते गुरु ग्रंथ साहिब ने ते शब्द कहा है, कहिंदे ने जदों मेरा गुरु बोलदा है मेरे साहिब बोलदे ने, ते पता की बोलदे ने, गुर रसना अमृत बोलदी हर नाम सुहावी। जदों मेरे गुरु नूं कोई प्यार करदा है वह कहिंदा दुनिया में सब तो मिठा शब्द मां है, पर जदों मैं अपने साईं की गल करना तो मेरे साईं का नाम मां नालों भी वध मिठा। गुसाई महंडा इछड़ा अम अबे थावो बिछड़ा, यही कारण एक सज्जन ने कहा है, कहिंदा औरंगजेब की तिखी तलवार ने उन्हें लोगों नूं दीन विच नहीं लियांदा जिन्नी बाबे फरीद की मिठी जबान ने लियांदा, उहदे अंदर की उका कादरता ने लियांदा। बाबा जी ने उत्ते शब्द वरते ने, फिर मैं विशे कल दे पहुंचना पिया, उन्होंने एक शब्द वरते है, कह लगे सबना मन मानक थान मूल मचांदवा, सारियां दे अंदर मेरा प्यारा वाहगुरु बैठा, कोई ऐसा हिरदा नहीं जिदे विच साईं नहीं। सबना मन मानक थान मूल मचांदवा, जे जौ तो त्रिया की सिख ता हयाओ न खाहे, कही दा किसे दे हिरदे नूं ताईं ना, क्योंकि खालसे दा बोला किसे दे अंदर नूं ढांदा नहीं। हुण उस तो अगे जिहड़ा वचन कहा है, पहला जिहड़ा श्लोक है वह ए वे, ते पुछिए बाबा जी किवें अंतर ढहिंदे ने, कहिंदे ने एक फिक्का ना गाल आए, सबना मैं सच्चा धनी है आओ ना कही ठाहे, मानक सब अमोल में फिक्का ना बोल, एको जै बोले ना बोल जिदे नाल किसे दा अंदर टुट जाए। हाँ, जिथे हजूर ने मिठास की गल की उथे मेरे धन गुरु ग्रंथ साहब ने गुरु दे बोलियां विच एक वचन क्या है कि जदों कोई पखंड दंभ करके अपने अंदर की जमीर नूं मार के किसी की बोली बोलन लग पवे उहनूं खालसे दे बोले नहीं कहिंदे।
खालसे दे बोले दर थे जिहड़ा सच ते टिके बोल ने, खालसे दे बोले दर ते जिहड़े जमीर विचों निकले हुए बोल ने, खालसे दे बोले दर ते जिहड़े शब्द विचों निकले बोल ने, खालसे दे बोले दर ते जिहड़े अकाल दे विचों निकले हुए बोल। मेरे गुरु नानक साहब दे बचना विचों कुछ कु उदाहरण देनिया ने कि जो खालसे दे बोलिया की गल करने हैं कि गुरु मेरे ने वह बोले बोले जिहड़े पखंड तो भरम तो सानू बचाते पे ने, सतगुरु ने वह बोल बोले जिन्हें तड़प देखो लोगों के अंदर शांत कर दिते। पहली बेनती करा, एक गुरु ग्रंथ साहब के बसंत राग में शब्द आता है, आदि पुरख को अल्लाह कही है, हजूर का शब्द है। कह लगे कि पहला जिन्हों आदि पुरख कहा जाता सी, हुण जदों कोई तेरे उत्ते जुल्म करदा है ते इको शब्द तू कहना पिया हुण अल्लाह ही कहना चाहिए, रब ही कहो खुदा ही कहो। देखो गल बोलियां दी, आदि पुरख को अल्लाह कही है, जिन्हों आदि पुरख कहा जाता सी ओनू कुल तू अल्लाह कही जाना। उसे हजूर ने शब्द वरते ने अल्लाह कहण दा भाव नफरत नहीं। कहन लगे अज तेरे ते दबा पिया तू अल्लाह कह दिता है, कल नू तेनू दबा के कोई होर कहेगा तू होर शब्द बोलेगा, असल विच तेरा बोला तेरे अंदर दी जमीर दा होना चाहिए। उसे हजूर ने एक तुक कही, कहन लगे घर कर मियां सबना जियां बोली अवर तुम्हारी। कहन लगे जिन्हू तू कल तक पिता जी कहिंदा सैं, जिन्हू कल तक तू बापू कहिंदा सैं, हुण घर घर विच ओह गुलामी दी बोली पिया बोलना, उहनां दे शब्द पिया बोलने, मियां मियां कह के पुकारना पै। कह लगे सच जानी तेरी बोली ए खालसे दे बोले ने, ओह बोली जिहदे विचों गुलामी दियां जंजीरां कटियां जाण। एक दिन उहदन भी बेनती कीती सी कि असीं बोला तां बोलीए आजादी दा, ते उहदन हजूर दा शब्द सी जिहदन ओह गुरमुख सज्जन आए सन। दातार ने कहा सी भाखियां का कुठा बकरा खाणा ये कोई बोले नहीं कहेगा, किसी के घर भी जाके तो पुठा नाश भी खाना, तो अपने घर किसी नीवी जात वाला कोलो लंघना कहना मेरे कोलो ना लंघी, मैं भिख जाऊंगा, मैं उच्ची जात वाला हूं। जिहड़ियां साडे विच भी जिदना सिखां नूं सिखी दान आना, मैं उस दिन जरूर अर्ज करनी है, असी जातां दे सिख हां, असी बरादरियां दे सिख हां, गुरु ग्रंथ साहिब दा टावा टावा कोई सिख है। जातां बरादरियां दे सिख हां, ये जट सिख है जी, ये अरोड़ा सिख है जी, क्यों जी उस धरती उत्ते चाल चलेगी तुहाडी वोट बनाने लग्या लिखिया गया है, केड़ा सिख है, सिख केवल सिख है, इहदे लई दूजा शब्द होर कोई है ही सिख दा अर्थ केवल सिख है। अगे बेनती करां, हजूर ने उत्ते शब्द वरते नहीं, कहन लगे अपाख्या का कुठा बकरा खाणा, ते अपने घर आके तू कहना बोल बोलना, मेरे चौंके ते शूदर ना चढ़े। आ मरदाना इक सज्जन दा केवल लैन गया सी अग, उस वैष्णो साध ने बलदा होया चोह लै के पिछे दौड़िया, ते मेरे गुरु नानक साहब ने उते शब्द कह सन, कहन लगे है तू साध जबान तेरी अग पई उगलदी ए, इह तां गुरु दा कीर्तनी आ, ओह शब्द सुणांदा दुनिया दा भला पिया करदा है, सच जानी अज मैनू पता लगा जो कुछ तेरे अंदर है ओह कुछ तेरे बाहर है। मैं कहना हकीकत जे इहनू कदी झूठ ना समझियो, उदन मरदाने नू चो लै के साध ज्यौते नू साड़न तुरिया, इन्हों की तस्वीर ही ऐसी है कि उत्तों साध ने जिदन साड़न तुरते हैं तो ज्यौदियां नू रख के अग में फूक देंगे, तो अज तक वो चली जाती। उदन बाबे दे मरदाने नू साड़न तुरिया ज्यौदियां, बाबे ने कहा तुसी ये शब्द की वरते हो, तो शब्द वरते सन कबुद डूमनी कुदया कुसैन, पर निंदा कट चूड़ी मुठी क्रोध चढ़ाण, कारी कदी क्या सुनिए जा चारे बैठिया नहर। ये खालसा ही बोले नहीं, गुरु दे बोले की ने कभी तको। कह लगे तू गुलामी करके जाना खात्मा दे घर, उन्हां दा खाना खाने, अपने घर सोच पिच दी गल करना, मेरे खालसे दे बोले नहीं होणगे। शब्द वरते भाख्या का कुठा बकरा खाना, चौंके उपर किसे न जाना, दे के चौंका कदी कार, उपर आए बैठे कूड़े यार, मत पिटै वे मत पिटै, ये अन्न असाडा फिटै तन फिटै फेर करे, मन झूठे चुली भरेण। ते खालसे दा बोला की है जी, एहो जी झूठी सुचमता नहीं, कहो नानक सच ध्याईऐ सुच होवै तां सच पाईऐ। खालसे दा बोला है सच नूं ध्याणा। उस तों अगे मैं बेनती करां, एक तनासरी राग विच हजूर दा शब्द हुंदा है धन गुरु नानक साहिब दा, ये शब्द आरंभ हुंदा है, ते इहदे विच तिन्नां दा जिक्र कीता है, बोल तां ओह वी बोलदे सन,
बाबे दे बोल ने जिहड़ा सत ते पहरा देवे वह शब्द ने कि कादी कूड़ बोल मल खाए वह भी बोले बोलदा है पर झूठ बोल के केवल वह रिश्वत खांदा पे। ब्राह्मण नावे जिया काहे जिया काहेदार ते शूदरा नूं ते कांदा पे उन्हां उत्ते जुलम पिया करदा है किसी की जीभ कटदा है किसी के काना धाल डाल के सिक्के पाउंदा है बारू अठार तीर्थां ते इशनान करदा कि इन्हें बोले ए दे भी ने पर बोले ए दे भी पलीत ने। तीजा सी जोगी कह लगे घर धियां पुत्रां दा सताया बाहर तुर पे ते उत्थे हजूर ने भाई गुरदास ने शब्द वरत्या बाबा जी ने यह नहीं कहा कि सिद्ध जी तुसी बड़े चंगे हो जिवें आपां किसे दी किसे नूं खोमे नूं पत्थे पाण लई क्योंकि एक दूजे नूं कहिंदी है तू बड़ा चंगा तेरे वर्गा कोई नहीं एक दूजे नूं फूक देई जाणी। बाबा जी ने कहा जोगी ज्ञान भी होणिया निस्दिन अंग लगाए निशारा तू इत्थे बैठा समाधियां लाना धरती वल देख बाज गुरु डुब्बा जग सार। गुरु दे सत दे बोले ने कादी कूड़ बोल मल खाए ब्राह्मण नावै जिया ताए जोगी जुगत न जाने अंध तीने ओ जाड़े का बंद। बाबा जी कहिंदे तिने समाज नूं खांदे पए ने रख के ए सन मेरे गुरु दे बोले ए सन गुरु दे सच दे बोले। हुण उत्थे इक शब्द उन्हां वरत्या कहन लगे खतरियां ता धर्म छोड़िया मलेश भाखिया गई उन्होंने अपने खलाक नूं त्याग दिता ते मलेश दा अर्थ केवल एक फिरके नाल नहीं जिस बंदे की मत मलीन हो जाए भावे सिख होवे भावे हिंदू होवे भावे मुसलमान होवे सच जाणो मलेश है जिहदी मत विच मलीनता आ गई। कहन लगे खतरियां ता धर्म छोड़िया लड़न वाला कहन लगे सूरमिया वाला कर्म छड गया इन्हां दा काम सी समाज की राखी करनी मलेश भाखिया गई सरिष्ट सब एक वर्ण हुई धर्म की गत रही ए सन बोले मेरे गुरु दे ते जेड़े बोले अज भी बोले जाते हैं। हजूर कृपालू जी ने एक मेहर की जे धन गुरु नानक साहब दे बोले देखने हैं देखो एक बोला ऐसा हुण इहनूं एक पक्ष ना लिया बोले का वैसे सच जाणो जदों बोलियां बारे विचार करन तुरिया सन ते गुरु ग्रंथ साहब दे चरणां विच अरदास कीती बोले शब्द इन्ना वड्डा है कि मेरा ख्याल है भी मैं पूरी तौर पर सी बयान ही नहीं कर सकना कि खालसे दे बोले किन्ने कु उच्चे। धन गुरु नानक साहब ने एक बोला बोले बगदाद की धरती ते बोले का अर्थ केवल तो केवल कादी मुला जा पखंडियां लई नहीं जदों गुरु कीर्तन दे बोले बोलदा है ना ते गुरु दे बोल जिहड़े ने तड़फदे हुए हिरदिआं नूं शांति दे दिंदे। भाई साहब भाई गुरदास जी ने एक शब्द कहे है असी वो बचन पढ़ने हैं कि फिर बाबा गया बगदाद नूं बाहर जाए किया अस्थाना। हुण देखो उत्थे एक बोला बोलिया जिहड़ा सी जकारा च बुलाने पए ना बोले सोहणे नाल भाई मनी सिंह उहनां दी जन्म साखी पढ़ियो उहदे विच बोले दिते ने बाबा जी ने किहड़ा बोला बोलिया वह शब्द है कि फिर बाबा गया बगदाद नूं बाहर जाए किया अस्थाना ते उत्थे दो दा जिक्र तिन्ना दा कोई नहीं जे एक बाबा अकाल रूप दूजा रबाबी मरदाना इस अकाल रूप धन गुरु नानक साहब ने ते दूजा उहनां दा रबाबी भाई साहब भाई मरदाना ने एक बाबा अकाल रूप दूजा रबाबी मरदाना। हुण उत्थे एक बोला निकलिया खालसे तेरे बोलियां की बुनियाद की है कहन लगे दित्ती बांग निवाज कर सुन समान होवा जहाना। जदों गुरु नानक साहब ने उच्ची सारी बांग दिती वो शब्द केड़े सन उत्थे जन्म साखी विच लिखिया मुन कर कर प्रणाम मुन मन मुधान गुर बर अकाल सत श्री अकाल। जदों उच्ची सारी बोले बोले कहन लगे असल विच शब्द का बोल इन्ना वड्डा सी कि गुरु नानक दे बोले कन्ना विच पैण दी देर है बगदाद का कोई बंदा ऐसा नहीं जिसे अंदर दे पुरने शांत ना हो गया। इन्हें खालसे बोले खालसा तू बोले ते पटकदे कोई रूहां नूं शांति मिले। खालसा देखो प्रोफेसर पूरन सिंह ने एक शब्द बड़ा सोहना कहा सी देनू संकीर्ण तत नाल जाए कहन लगा कि खालसा तो चलता फिरता रब है जिथे बह जाता उत्थे नाम दियां शहबरां ला दिंदा है। कहिंदा सी खालसा तो चलता होया एक दरिया है जिथे जाता भटकियां रूहां नूं नाम जल दे तरमके मार के शांत करदा है। सच जाणो खालसे दे बोले लोगों के अंदर नूं शांत करन वाले
शब्द वरते ने के दित्ती बांग ने वाज कर सुन समान को वाज जहां ना सुन मुन नगरी पई इथे असी अर्थ कर जाने हैं लो जी उते सारे कुदम पत्थर दी तरह जुड़ गए सारे चुप कर गए लोकी गूंगे हो गए बिल्कुल गल गलत है। सुन मुन अवस्था वो है जिदे विच चंगा मंदा फुरना कोई संकल्प कोई विकल्प किसी तरह का कोई फुरना ना उठे। बाबे ने इना उच्चा बोला बोलिया कि सारे शांत हो गए। उत्थे फिर उन्हें शब्द वरते ने कि पीर दस्तगीर ने सोचा कि बोले ता रोज बांग ता मैं भी देना वा अज ये कौन आया इना उच्चा बोला बोलता पे कि सारा शहर शांत हो गया। परत के उन्हें कोल आके पुछया तू कौन है जिदे बोल विच इनी ताकत है। ते मैं कल बेनती की थी ये बोल वो ने जिन्हों मेरे गुरु अर्जुन साहब ने कहा जाका मीत साजन है समिया तिस जन को कहो काकी कमिया जाकी प्रीत गोबिंद सिंह लागी दुख दर्द प्रमता का भागी। ये केड़े बोले ने जाका कया दर गए चले सो किसको नजर लै आवे तले। हजूर ने शब्द वरते उथे पुछ देने सुन मुन नगरी पई देख पीर पया है राना देख है ध्यान लगाए कर एक फकीर बड़ा मस्ताना पुछया फिर कह दस्तगीर कौन फकीर किसका करहाना ये केड़ा फकीर केड़े कराने दा केड़ी थां तो आया जिदे बोल ने लोग शांत कर दिते। मेरे गुरु का रबाबी बोलिया इथे जितने टीकाकार ने उन अर्थ किते ने कि पीर आया उन्हें पुछया कौन फकीर किसका करहाना ते गुरु का रबाबी कहिंदा नानक कल भी चाया रब फकीर इको पहचान। ये मेरे गुरु नानक निरंकारी ने ओदे बोले जिन्हां ने बगदाद नूं शांति दिती ओ बोले जिन्हें पहाड़ की चोटी ते बैठे होयां दे अंदर सच की आवाज पहुंचाई ओ बोले जिन्हां ने जाबर नूं वी ये शब्द कह दिते कि तू एक जमदूत बन के आया है ते केवल ए नहीं गुरमुखो ओ बोले खालसे दे ने कि किसे नाल धक्का ना होवे। खालसे दे बोले ने सच बोलिया जै सच की सुनवाई होवे। खालसे दे बोले ने कि अंदरों निम्रता धारण की जाए। खालसे दे बोले ने किसे दा पराया हक ना खो के खादा जाए। ते देखो कभी गुरु कलगीधर जी दे बचन पढ़ने हैं उन्होंने बड़ी कृपालता की हुण हैरानगी की गल ए असी इस गल नूं लै के तुर पए हां कि सिख नूं सब कुछ माफ है। क्षमा करियो जे गुरु ग्रंथ साहब दे शब्द की रोशनी विच देखना जे फिर प्रोतवाज ते सिख विच फर्क ही है। वह भी कहिंदा सी उच्ची जात वाले नूं सब कुछ माफ है ते जे तू कुकर्म करी जे तेनूं सब कुछ माफ है बिल्कुल नहीं। गुरु कलगीधर जी ने कुछ प्रमाण दिते ने उन्हां दी तवारीख विच दो चार उदाहरणां ने। भादों का महीना सी ते तुहानूं पता है भादों के महीने विच पंजाब की धरती ते त्राटका बड़ा लगता है। कभी मीह पैंदा कभी धुप निकलती जमीन जिहड़ी अपने अंदरों अग नूं बाहर कढ़दी है भाप उहदा हुमस बाहर निकलता है। ते हजूर कहिंदे ने आनंदपुर साहब की धरती ते अपने मकान अपने किले की छत से घर की छत से विश्राम कर गए। रात का वेला है थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा पे रुमक दी हजूर की देखते दे पहले कि उत्थे सामने नाल एक घर के उच्ची उच्ची बोलन की आवाज आई। वह असल विच दो सिख ने आपस में बहस दे पे सन मेरे गुरु जी ने कैसे खालसे नूं बोले दिते ते जिन्हां दा बाला होवे बोल बाले होण। उत्थे कहिंदे ने दो सिख सन एक सी मेरे गुरु कलगीधर दे साहिबजादियां दा खिडावा भाई लाहौरा सिंह ते एक सी भावना वाला मेरे गुरु कलगीधर जी दा सिख ते जिहड़ा शाहूकारा करदा सी वपारी सी उहदा नाम सी भाई माला सिंह। भाई माला सिंह ये शाहूकारा करदा लोहारा सिंह नूं इह बड़ा माण है कि मैं गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्रां नूं खिडाना वां। कहिंदे ने माला सिंह तों लाहौरा सिंह ने कुछ समा पहलां कुछ कु रुपये उधारे लए सन खालसे दे बोले की। असल विच खालसे दे बोले खालसे दा इखलाक है उहने पैसे लै लए। माला सिंह दे मन विच आया भी आखिर गुरु के पुत्रां दी सेवा करदा है जे मंगे नूं दे दे। कहिण लगा जिन्ने तू लए ने मैनूं आनी वापस कर दई पर वापस जरूर कर दई। समा बीतिया उस भाई माला सिंह दा कारोबार ठप हो गया इहदे कोल रुपये घरों पूंजी खत्म हो गई। ते लाहौरा सिंह दे घर गया जिहड़ा गुरु के बच्चियां दा खिडावा सी शाम दे वेले उहनूं जा के कहिंदा भरावा मैं कई वारी तेरे कोल आया वां
ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਘਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੁਪਈਏ ਮੇਰੀ ਦੌਲਤ ਮੇਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਗੋਂ ਲਾਹੌਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਿੱਚਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਟਿੱਚਰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਲਾਹੌਰਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਕਾ ਖਾਏ ਕਹਿ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਅੱਗੋਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਿਆ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਦਾ ਖਾੜਾ, ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਮਾਲਾ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੋਖੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਢੁੱਕ ਢੁੱਕ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਇਖਲਾਸ ਥੰਬ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਆਮ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੱਜਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਾਂਡਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਦਾ ਖਾਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਲਾਹੌਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਡਾਵਾਂ ਵਾ। ਮਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਰਲਾ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਕਾ ਖਾਏ ਕਹਿ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਉੱਚੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਉੱਚੇ ਖਲੋ ਗਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰਵਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਮਾਲਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜਾ ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੈ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਲੇਖਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਲਾਹੌਰਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਲੇਖਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਪਾਠ ਹੈ ਹਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ, ਇਹ ਸੌ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਬਖਸ਼ੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕੋਟ ਕੀਤਾ, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਤਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੋਲਿਆਂ ਦੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਇਖਲਾਕ ਵਾਸਤੇ ਸਾਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਖਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂ ਹਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ। ਮਾਲਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਲਾਹੌਰਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਖਿਡਾਵਾਂ ਵਾ, ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੇਖਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ, ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰਾ ਸਿੰਘ ਕਦੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਥਾਮੀ ਨਹੀਂ ਉਭਰਨੀ। ਗੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਵਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਹਾਮਾ ਭਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਖੀ ਪਹਿਚਾਣ ਗਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਇੱਕੋ ਦਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਮਾਲਾ ਸਿੰਘ ਰੁਪਈਏ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਟਿੱਕੀ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਆਇਆ। ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਧੋਖਾ ਕਰੋਗੇ, ਠੱਗੀ ਕਰੋਗੇ, ਛਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਚੋਰ ਕੀ ਹਾਮਾ ਭਰੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਚੋਰ ਕੀਆ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਨ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬੋਲੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਪਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਮੂਰਖ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇ। ਤੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕੂੜ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਢੋਈ ਜਾਏ। ਮੂਰਖ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦੇਣਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਕੁ ਪਰਮਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਾਂਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਮਾਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਜਿਮ ਤਿੰਨ ਕਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬੋਲੇ ਇਹ ਨੇ, ਜਿਮ ਤਿੰਨ ਕਹੀ ਤਿੰਨੇ ਤਿੰਨ ਕਹਿਹੋ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬੈਰ ਨਾ ਕਹਿਹੋ। ਕਹਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਸੋ ਭਾਸ ਹੂੰ, ਨਾ ਕਾਂਧ ਕਿਸੋ ਰਾਤ ਹੂੰ। ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂ। ਦੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਸੰਦਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਰੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
अपने जफरनामे अंकित किया है। जो मैं संदा तकिया तो मेरे गुरु जी ने उस वे एक बचन क्या कह लगे, इन्हों से यकीन ना करो कि यह सच के बोले नहीं सन। कि माई का लाल किसी पखंडी ने शब्द कहेगा, क्योंकि सानू अपना डर लगा रहा जे कि बोल दिता ये पिछे बड़े लोग ने कि कल मेनू ना बदनामी कर लग पाए। मैं सच जाणू जो बेनती कर लग रहा। उसे हजूर ने कहा जिन्हों तू कहना पे ये संत है, तो गुरु के सिखो ये मत समझो कि गुरु ग्रंथ साहब ने जिनी संत की खामी भरी है। दाता जी ने कहा कि संत उभारन वास्ते मैं आया, मेरे गुरु ग्रंथ साहब तो कहें जे रब की बंदगी करते ने कि नानक बगोयत जन तुरा तेरे चाकरा पा खास। मेरे गुरु ग्रंथ साहब तो कहते ने खालसे भी तो बोल बाला ही लैनी देनी, हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की शरणा, संत हमारी और सतानी, संत हमारा गहना। किस करके मैं वेरवा पान लगा, कई बार कई सज्जन समझ जाते ने संतां दी निंदिया। गुरु कलगीधर जी दे बचन ने हुण देखो सच दा बोला की जे सिख किसी का हक खांदा कह लगे जे हक खाना तेरा कोई साथ नहीं मैं देना। हुण उत्थे इक सवैया कहे 33 सवैया विच सवैया कहिंदे ने आखण भीतर तेल को डार कह सो लोगन मीर बहाए दिखावै। जे तू समझे भी इहदियां अखां विचों पानी बड़ा सिमदा है, ये बड़ा भगत है। तो मेरे गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे ने जे संत ताई अखां विचों पानी कढ़न करके वे ना कह लगे सरों का तेल लैके एक बारी अखां नूं मल के सारा दिन पानी निकलता रहे। ब्रह्म ज्ञान की अवस्था है थोड़ा भी अखां चों पानी निकलता पे, ये गल वखरी। किते टावा टावा खिरदा जदों किते जुड़दा है उहदे अंदरों आवाज निकलदी है मैं लीर वह वह चलै जियो, वह वखरी अवस्था है। आखन पीतर तेल को डार कै सो लोगन नीर बहाए दिखावै, जो धनवान लखै नी सेवक साहे परोस प्रसाद जमावै। जिन्हों अमीर बंदा देखते ने उन्हू कोल बुला के रोटी खवाते हैं। तो अगे साहब कह लगे जो तनकीन लखै तै देख न मांगण जात न मुखो दिखावै। गरीब हुए ते तरले लैंदा रहे उन्हू बाबे जी अपना चेहरा भी नहीं दिखाते। मेरे गुरु साहब ने कहा कहने खालसे तेरे बोलियां विच पखंड दंभ का नाश करन दी ताकत होवे। शब्द वरते आखन पीतर तेल पुदार कै सो लोगन मीर बहाए दिखावै, जो धनवान लखै नी सेवक ताए परोस प्रसाद जमावै, जो तनहीन लखै न देत न मांगन जात न मुखो दिखावै। साहब कहन लगे लोग कहंदे ने ब्रह्म ज्ञानी गुरु साहब ने शब्द वरत्या लूट तह पश लोगन को कबहू ना परमेश्वर के गुण गावे। कहंदे ने डंगर है पशु लोगों नूं लुट लुट के खाई जांदा, कभी रब दे गीत रब दी सिफत नहीं कीती। आपां इक खिन विच भरम जांदे हां। गुरु के सिखो भाई वीर सिंह होणा ने एक शब्द कहा सी कहंदे ने देह धारी किवें पैदा हुंदा है। मैं खिन विचों निकलिया, यह मत समझो। मैं फिर बेनती करा भी किसी भी रब की करनी वाले दे लई दाता कभी भी जबान तो भैड़ा शब्द तू ना कढ़ाई, पर सुचेत होना अति जरूरी है। पंजाब ही इन्ने क्यों, सारे हिंदुस्तान में क्यों नहीं? भाई साहब कहते सन पहले दिन जाएगा कहे जपजी साहब का पाठ करना, जी नहीं कहे कल तो कर जपजी साहब कर लग क्यों। जदों महीना तू किया फिर कहे पूरा नितनेम कर, बड़ी चंगी गल। परत के कहे सुखमनी साहब कर, भाई वीर सिंह होना की कलम जेडे बाकी आत्म रसीए भिजे ने उन्हों का भी अंदर कुरलाया इस दंभ को देख के। परत के कहे हुण तू बाणी पढ़न लग पे, तो बाणी का सुभा है जेड़ा भी पढ़ेगा उन्होंने शांति देनी। उत्थे फिर असीं भरम पाल जाने भी जे इस बंदे ने मेरा सब कुछ किया, जे ये ना होता ये कोई शक नहीं गुरमुख का बड़ा वड्डा योगदान है। तो गुरमुख का फर्ज भी बनता है कि ईमानदारी नाल गल कहे कि सजना मैनू तो गुरु जी ने एक वसीला बनाया, असलियां रहमतां दा दाता ते गुरु ग्रंथ साहिब है। बाबे बुद्धू ने बड़ी सोहनी गल कही सी शेरे पंजाब नूं जित के आया, तो यही पुछया सी बाबा बुद्धू साहिब कित्थे ने, ते भांडे मांजदे होए संत ने गुरु ग्रंथ साहिब दे कोल जाके कहा साहिब आई बुद्धू मैं हाँ, बुद्धू तो के लैने जे झोलियां भरनिया ने तो साहिब की गल करिया। देखो ना लोगों की ईमानदारी कैसी। सुखमनी साहब पढ़े अंदर नूं टिका मिलिया, परत के उन्हें कहा भी काम की करना, दस दिता मेरी फलानी जो फलाना बिजनेस है। तो फिर कहन लगे जे बिजनेस करना तो दसवंध का हक कला मेरे ही बनता है, मैं तेन जोड़िया। कह लगे उतों फिर शुरुआत होंगी है अपनी पूजा की, उदों फिर शुरुआत होंगी अपनी खौमे की। खिमा करो गुरु कलगीधर जी ने एक बचन कहा तो मैं तुक जरूर कहनी। एक कविता है अकाल उसदा, वो कहते ने कोई जे पंछियों वाले गुण धारण करी बैठा, यदा मतलब यह नहीं कि वह संत है।
परमेश्वर की बंदगी करने वाला ही सब तो उची सब तो रह से भी उची है कि उसकी जिंदगी का आधार केवल कीर्तन से बंदगी हो गया। एक कबित की अखीरली टोके वो एवे जे तो बड़े ज्ञानी जिन्हों जानी पै बखानी नाहे, कहिंदे मेरे तो पहला बड़े वे वे ज्ञानवान होर भी होए, बाबे नानक भी जो तो पहला बड़े ग्रंथ लिखण वाले होए, पर कह लगे सामने दंभ वेख के जरूरत ना की बोलन की, कहिंदे मैं रब नाल वादा करके आया कि जो मैं पखंड देखांगा मैं जबान तो बोल के कहना जरूर है। जे तो बड़े ज्ञानी इन्हे खालसे दे बोले, जे तो बड़े ज्ञानी जिन्हों जानी पै बखानी ना है, ऐसो ना परपंच मन फूल या नियत है। हुण इहदा कबित है भूत बन चारी छित छौना सब है दूधा धारी, पौन के आहारी तो कुजंग जानियत है, त्रिन के पशैया तन लोभ के तजैया ते तो गौवन के जैया ब्रिक भैया मानियत है, नभ के उदैया तय पंच की बड़ैया देत बगुला बिड़ार ब्रिक ढानी छानियत है। ये तो बड़े ज्ञानी जिन्हों जानी पै बखानी ना है, ऐसो ना परपंच मन फूल आनियत है। हुण इहदे अर्थ की देखो कवित पढ़ दिता है, आरंभ हुंदा है भूत बन चारी, कह लगे जे जंगलों में तुरकी ए संत ताई ते कई तुरे फिरदे ने पशु पंछी ते भूत प्रेत, छित छौना सब है दूधा धारी, छौना दर्थ दा बालक छित दर ते धरती, जे तू कह मैं कला दोधी पीना होर कुछ नहीं, कह लगे न्याणे जमदे सारी दुध पीते ने गुरु कलगी धर के, जिन्हों साल डेढ़ साल पीते रहे उन्होंने रब ना मिल गया। देखो नाम तो बिना, इस गल जरूर चेते रखियो, जरा बंदगी वाला कई ऐसे सज्जन ने जेडे इस समय घुटक दुध पीता अच्छे पैर बंदगी विच रहिंदे ने, उन्हां दी शब्द नहीं जेड़े पखंड करदे ने, शब्द वरते भूत बन चारी छित छौना सब दूधा तारी पौन के हारी तो कुजंग जानियत है। जे को कह दिए कुछ खांदे नहीं पौन दिया तेरे जिंदे नूं, कहन लगे सप भी पौन दिया तेरे जिंदा पे, कई सप ऐसे ने जेड़े पवन विचों खुराक लैंदे। साहब ने अगे शब्द वरतिया त्रिन के पशैया, कुछ ऐसे ने कहिंदे ने बिलकुल रोटी नहीं जे खांदे, ये कभी फ्रूट नहीं खाते, सिर्फ पत्ते तोड़ के खाते ने। गुरु गोबिंद सिंह कहते हैं बंदा क्यों कहें हो, यू डंगर वाली खुरली से बनो, ये बलदा का भरा है। असल में असलीयत वे शब्द देवे त्रिन के पशैया, धन लोभ के जलैया ते तो गौवन के जइया, गावा दे जाए ने ब्रिक भैया मानियत है। ब्रिक भैया का अर्थ हुंदा है कि सच जाणो बलदा के भरा ने, किसी कह लो उड जाते हैं। हजूर ने कहा यह कड़ी वड्डी छाल मारनी, कां तिल सब तो उची होते, नभ के उडैया ताए पंछी की बड़ैया देत बिगड़ा बगुला बिड़ाल ब्रिक, तीन शब्द ने बगला बग्याल ते बिल्ला, ब्रिक ध्यानी थानियत है। गुरु साहब कहते ने सच बोला बोल के कही कि दुनिया नु पखंड तो सुचेत करी, एने खालसे जी के बोल वाले जेड़ा सच कोई बोल ही ना सके, फिर उसका ध्यान करके बोलो जी वाहेगुरु। हुण कहांगे जी कला ए क्या, जदो हकूमत दे मालक नु चिट्ठी लिखी उथे मेरे खालसे गुरु दा बोला, देखो शब्द की वरते सन, कह लगे ना इमां प्रस्ती ना ओजाए दी, सफरनामे दा इक शेर खालसे दे बोले की ने, कह लगे तू दावा करी जाना मैं बहुत वड्डा मुसलमान नेमी हाँ। हुण जफरनामे विच कहिंदे ने जे तू मुसलमान हुंदा, कोई मुसलमान अपने बाप दे तशद्दुद नहीं करदा, अपने भरावां नूं अपनियां भैण नूं जहर नहीं दिंदा, ना इमान प्रस्ती तू बिल्कुल ईमान प्रस्त नहीं, ना ओजाए दी, ओजाए दा अर्थ हुंदा है तरीका, तेरे कोल दीन कमान दा तरीका भी नहीं, ना सैद शनासी, शनाखत शब्द है, शनासी दा अर्थ हुंदा है पहचान करनी, तेनू रब की कोई पहचान नहीं, ना मुहम्मद यकीन, मुहम्मद साहब का नाम पवित्र है उन्हां दे नाम उत्ते भी तेनू यकीन नहीं। ਇਹਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬੋਲੇ ਨਾ ਇਮਾਂ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾ ਉਦਾਏ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸੱਜਣਾ ਕਿ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਹਿਬ ਸ਼ਨਾਤੀ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯਕੀਨ ਤੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਬੋਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹਮੂ ਮਰਦ ਬਾਇਦ ਸ਼ਬਦ ਸੁਖ ਨਵਰ ਮਰਦ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਮ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨੇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਆ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਬੜੇ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾ ਲਓ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬੋਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬੋਲੇ ਉਹਨੇ ਰੱਤੇ ਸਹੀ ਜੇ ਮੁੱਖ ਨਾ ਮੜਨ ਜਿੰਨੀ ਸੰਝਾਤਾ ਤਾਈ
चढ़चर पमदे कच्चे बिरगी जिन्ना कारण आई। खालसे ने बोले ने अगां पुतरां पिछां मोह फेर ना मोजड़ा, नानक सिज अवेहा वार बौड़ ना होवी जन मड़ा। खालसे ने बोले ने दिलों मोहब्बत जिन से ही सचिया, मूर्खां दे बोले ने जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया। जेरे कच्चे ने वो बोले खालसे दी बचन करे ते खिचक जाए बोले नर कच्चा। ध्यान ब्याजे अंदरों झूठा कूड़ यार बोले सब खच्चा। हुण एक शब्द असीं करने आ किने फलाना बंदा खच मारदा है, खच दर हुंदा झूठे शब्द होवे, किन्ने अंदरों कूड़ा इन्हें झूठ बोली गया। वो खालसे दे बोले ने मेरे कलगी तरके मैंने हम उम्र बाहर स्वाद सुख नवर ना शिकमे दिगर दर बहाने दिगर, जिदे मुंह विच कुछ ते ढिड विच कुछ होवे वो खालसे दे बोले नहीं। मेरे गुरु कलगी धर जी ने दृढ़ता वाले बोले दिते ते सिख ने फिर उन्हां ते पहरा दिता। उन्हें गुरु दे बोलियां ते इन्ना पहरा दिता, सच जाणो तुहाडे बोलियां दे सामने दुश्मन दे नाल आए कोई लखारी भी शीश चुका गए। इन्ने उच्चे बोले बोले बाबा सदेक सिंह दे बोले कदी झूठे ने, चरखड़ी ते चढ़दिया नौजवान पुत्र जिदे वर्गा विद्वान कोई नहीं। उन्हें बोला बोलिया खालसे ने ओहदे उच्चा बोला कोई नहीं। लोग पुत्रां नूं बचांदे ने ते भाई सदेक सिंह कहिंदे सन सिखन काज गुरु हमारे, सीस दियो नी सन परवारे, चारे पुत्र जान कुहाए, सो चंडी की भेड़ चढ़ाए पंथ प्रकाश रतन सिंह पंगू। कहन लगे चारे पुत्र जान कहाए, सो चंडी की भेड़ चढ़ाए, हमरे कारण गुर कुल गवाई, हम कुल राखे कण वडाई। इन्हें खालसे दे उच्चे बोले जिदे मुकाबले किसी ने खलोई नहीं सकना। पुत्र दा खून दे के अपने गुरु दे बोले नूं कायम रखना, खालसे दे बोले इन्ने विस्तार ने। एक ने इन्हें खालसे दे बोल बाले देखो जिदे विच हक दी सच दी जमीर दी अंदर दी अखलाक दी जीवन दी गल कीती जाए, इहनूं कहा जांदा है खालसे दे बोल बाले। 18वीं सदी विच इक खालसे ने अपने शब्दावली नूं जन्म दिता, जिन्हां नूं खालसाई बोले कहा जांदा, बाले नूं उत्थे वरत्या। मैं हैरान होया जिन्हां लिखिया कहन लगे खालसाई बोले, क्योंकि बोल बाले उहने उहनां बोलियां कई दुश्मन नूं कटाक्ष करन वाले भी शब्द ने, पर जदों बाले बनते ने ना वह शब्द फिर थले रह जाते। उन्होंने बोल कैसे सन, ज्ञानी ज्ञान सिंह उन्होंने एक शब्द वरत्या, मैं एक बित आप नाल सांझा करना। 18वीं सदी है तो मेरा ख्याल है तकरीबन 1710 के नेड़े यह हुक्म जारी हो गया कि शाही फरमान सी कि गुरु नानक नाम लेवा कोई भी सिख मिले नानक पंथी नूं कतल किया जाए उहदा कतल माफ है। 50 साल सिखा ने कुछ जलिया उथे मैं जी बेनती करनी तवजो दौ। एक निहंग सिंह तुरया जाता तो वैसे असं इस शब्द को समझिए, निहंग का अखरी अर्थ हों दलेर बहादुर सूरमा वक्त उपर लड़न वाला। उन्होंने बोले अपने सन, उस वेले कौम का घर कोई नहीं सी, टिकाणा कोई नहीं सी। एक निहंग सिंह तुरया जाता है, घोड़ा वो कोल चंगा कोई नहीं। देखो उन्हें शब्द कैसे चुने भी कि चढ़ती कला के बोले सन। उन्होंने कहन लगे खिड्डा जैसा तत्वा जुलरू को काठी पाए, रसरू लगाड़ू ते कहन लगे रसरू रकाब जू। मैं अर्थ दे अगे चल के करा लो। कहन लगे फतेहा सा कछड़ू नीला सा चादरू, टूचो जैसा पगड़ू बनाया सिरताजू, टूटा जैसा तेगड़ू लीलू म्यान जाकर। कभी देखे उस निहंग सिंह एक आम बंदे ने बोले की सन, एक कौमी प्यार लैके तुरे, टुटिया सा तेगड़ू लीरड़ू म्यान जाको, सत गठ गात्रा बनाया बन साजू, नाम तो अकालड़ू फिरे बड़े हालड़ू फिरे बुरे हालड़ू, लूट कूट खावन को बड़ो उस्ताजू। हुणे दे अर्थ की नहीं, ओ भी समा आया एक खालसे कोल कशहरे पाण वास्ते भी कपड़ा नहीं सी। समा फिर तक किन्ने फिड्डा जैसा कटवा उहदे कोल चंगा घोड़ा नहीं, सादा जा एक गदा जा ओहदे उत्ते बैठा। ते फिर अगला की है जुलड़ू को काठ, जेड़ी जुली रात नूं विछांदा उत्ते लैंदा ओहनूं काठी बना के तुरिया फिरदा। उस खालसे दे बोले तकियो दुश्मन ने देख लिया, उन्हें रोक लिया। कहन लगे फिड्डा जैसा तटवा जुलड़ू को काठ पाए रसरू लगाड़ू, ओहदी जेड़ी लगाम है रस्सियां बट बट के उन्हें कड़ियाला पाया, रसड़ू रकाब जू बेचारे कोल पैरां विच रकाब कोई नहीं, रस्सी बना के थले गंद मार के ओहदे विच पैर चकाए। कहन लगे पटिया सा कछड़ू, कशहरा जिहड़ा
ਉਹ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਟਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਕੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਨੀਲੂ ਸਾ ਚਾਦਰੂ, ਇੱਕ ਨੀਲੀ ਜੀ ਚਾਦਰ ਉਹਨੇ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ ਉੱਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ, ਤੂੰ ਚੋ ਜੈਸਾ ਪਗੜੂ ਬਣਾਇਓ ਸਿਰ ਤਾਜੂ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਜੀ ਪੱਗ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਪੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਫਰਲਾ ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਅੰਖ ਦੀ ਉਹਦੇ ਬੋਲੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਚੋ ਜੈਸਾ ਪਗੜੂ ਬਣਾਇਓ ਸਰਤਾਜ ਜੂ, ਟੁੱਟਾ ਜੈਸਾ ਤੇਗੜੂ, ਤੇਗ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਮੁੱਛਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਮਿਆਨ ਕੋਈ ਕੋਈ ਨੀ, ਟੁੱਟਾ ਜੈਸਾ ਤੇਗੜੂ ਲੀਰ ਨੂੰ ਮਿਆਨ ਜਾਪੋ। ਲੀਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਮਿਆਨ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਤ ਸੱਠ ਗਾਤਰਾ ਬਣਾਇਓ ਸਰਤਾਜ ਜੂ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਲੀਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗਾਤਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਘਰ ਕੋਈ ਨੀ, ਸਿੱਖ ਮਿਲਦੇ ਕੋਈ ਨੀ, ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਵੈਰੀਏ, ਗੱਠ ਸੱਠ ਗਾਤਰਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਟਾਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੰਢਾਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਤਰੇ ਪਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਗਾਤਰੇ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕੀਤੇ, ਗਾਤਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਦਾ, ਟੁੱਟਾ ਜੈਸਾ ਤੇਗੜੂ ਲੀਰੂ ਮਿਆਨ ਜਾਕੋ, ਗੱਠ ਸੱਚ ਗਾਤਰੋ ਬਣਾਇਓ ਸਰਤਾਜ ਜੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਅੱਗੋ ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਾਲੜੂ, ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਵਾਂ, ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅਕਾਲੜੂ, ਫਿਰੇ ਬੜੇ ਹਾਲੜੂ, ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਚ ਫਿਰੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੂਟ ਕੂਟ ਖਾਣੇ ਕੋ ਬਣੋ ਉਸਤਾਦ ਜੂ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਅਕਾਲੜੂ, ਵੇਖ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਵੱਲ, ਵੇਖ ਆਪਣੇ ਗਾਤਰੇ ਵੱਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਗੱਠਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਵਰਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅਕਾਲੂ ਫਿਰੇ ਬੜੇ ਹਾਲੂ, ਲੂਟ ਕੂਟ ਖਾਣੋ ਮੈਂ ਬੜੋ ਉਸਤਾਦ ਜੂ। ਅੱਗੋ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਉੱਤਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਤਖ਼ਤ ਪਰ ਬਹਿਗੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫੌਜ, ਸ਼ੀਸ਼ ਝੁਲੇ ਦਾ ਛਿੱਤਰ ਪਰ ਬੜੀ ਕਰੇਗੀ ਮੌਜ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਪਰ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਕਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਬੋਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਹਿਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਅੰਗਮਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰੱਬ ਨੇ ਮਿਹਰ ਚੁਕਾਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿੱਠੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਤੇ ਸਾਜਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਮ ਪੱਗ ਬੰਨਦਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ ਮੁੰਡਾ ਪੱਗ ਬੰਨਦਾ ਤੇ ਖਾਲਸੀ ਬੋਲਾ ਭੁਜੰਗੀ ਸਿੰਘ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ, ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਨਾ। ਜਾਮ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਜਨਾਨੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪਕਾਉਂਦੀ ਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪੈ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਚੁਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੜਾਹ ਪਿਆ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਗ ਪੈ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਜਣਾ ਸ਼ਬਦ ਇੰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਰਤੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਕਿਹਾ, ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜਣ, ਆਪੇ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਰੰਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਖਮੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੋਲੇ ਸਨ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਬੋਲੇ ਐਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਖੁਸ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੈਂਗਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਟੰਗਾ ਬਟੇਰਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਣਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬਸੰਤ ਕੌਰ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗਾਜਰਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਗੋਬਿੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਅਨਾ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਛੇੜੀ ਬੈਠਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਲੁੰਡੀ ਬਿੱਚੀਏ, ਸ਼ਰਾਰਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੁੱਖਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਗਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਇੰਨੇ ਵਰਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਝਾੜੂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕੌੜੇ ਬੋਲਨੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਗੰਜਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਕੇਸ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਲਗਾ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਝੋਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਸਨ ਨਾ। ਗੰਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਲਗਾ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਨਾ ਨਾ ਗੋਲਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚੁਬਾਰੇ ਚੜਿਆ ਸਿੱਖ, ਜਿਹਨੇ ਗੁੰਗਾ ਹੋਣਾ ਕਹਿਣਾ ਗੁਪਤਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਜਿਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਹਿ ਲਿਆ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ, ਰਜਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਅਬਲਾ ਤੂਨੀ, ਤਲਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਅਬਲਾ ਤੂਨ, ਗੁੜ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਿਰ ਜੋੜ, ਸ਼ੱਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਿਰ ਖੰਡੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬੋਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਦੇ ਨੇ
असि कहने इंजन गड्डी का आ गया। निहंग सिंह नूं पुछो कहिंदा तेजा सिंह हुंदा पिया बड़ी तेजी। असि कहने रेल गड्डी आ गई, वह कहिंदा भूतनी आ गई जे बच के रहा जो। असि कहने सैकल ते बंदा चढ़िया जांदा, वह कहिंदा भी उन्होंने शब्द वरते सन। कहन लगे सैकल ते चढ़े हुए भी उन्होंने शर्त वरते सन कि शरारती है। असि कहने फलाना बंदा बीड़ी पीता मैं खिमा करो, कहते सन खोती चुंगदा पै चुंग लेंगे उस। उन्होंने अपने बोले सन ना, उन्होंने शब्द ऐसे वरते। उन्होंने शब्दों नूं मैं इत्थे कह के संपूर्णता करनी कि सियाने बंदे लभने कोई नहीं। चंगा प्रचारक, चंगा कीर्तनिया, चंगा ग्रंथी साहब मुदतों बाद कभी पूरा पैदा होंदा। मैनू एक बारी मौका मिलिया, मैं वह कह के समाप्ति करनी है बोलिया। तो ढाडी दया सिंह होनी साल बाद पिंड प्रोग्राम करीदा, तो मेरा दिल किया भी कि इन्हों ले जाइए। मिनट थोड़े मैं दो चार ही लेने, मेरा चित किया भी उन्होंने ले जाइए। उन्होंने एक अपनी खाद बीती सुनाई, तो जो उन्होंने सुनाई खालसी बोलिया की, तो बंदे कितने लभने थोड़ा ने। ढाडी सोहन सिंह चीतल वर्गे, दिलबर वर्गे भाई साहब उन्हें कीर्तन करते खुशामद ना समझो। मैं ता ही इन्हों कहा तुम 5-7 मिनट ला लिया करो। मैं संगत को बेनती कर लगे प्यारे हो, ये आवाजा परत के लभनिया नहीं, क्षमा करो। उत्थे उन्होंने एक शब्द सुनाया, कहने से गए होले महल से, होले महल से गए तो निहंग सिंह आया। कह लगे ढाडा सिंह जी साढ़े भी दीवान लाओ। भाई दया सिंह कहते हैं मैं क्या भी निहंग सिंह आए ने हाथ जोड़ के कंग भी बाबा जी जरूर दस आ बुलानी सा डेरा उत्थे पहुंच जाए। दिलबर साहब कहते ने उत्थे पहुंच गए। ये उन्होंने अख जबानी है जी मैं आप जी सुना रहा। कहते अस पहुंचे तो वाहवा दोपहर का वेला गर्मी से आद्या, पर कह लगे भी ढाडा सिंह जी आओ पहला दसो ढिड भूकनी छकनी जे कि समुद्र छकना जे। समझते गए ढिड भूकनी आप कहने चाह। कह लगे अभी समुद्र छकांगे दुध पियांगे। कह लगे चबारे च पियोगे कि वेहड़े च पियोगे। हूँ आने से बोले तो पहले ही बड़े सुने साढ़े दिमाग चो निकल गया। क्या भी चलो थके हाँ चबारे च बैठ पिया। क्या भी निहंग सिंह जी चबारे च पियांगे। परत के कह लगे बिस्कुट किन्ने किन्ने लाओगे। वह कहने दो दो चार चोर लाए। कहते भी अभी बैठे रहे भी हूने वेड़ है सू चबारे कितने ले जाते हैं। इन्नी देर में निहंग सिंह आए तो उन्होंने की किया जी व्डे कंगनी वाले गिलास ना दुध दे भर के लियादे। तो नाल कह लगे ढाडा सिंह जी करो हाथ लो बिस्कुट। कहता रात के जोड़े प्रसादे सन तीन तीन साड़ी आपकी तली पर रख दिते। कहता सानू पै गई भी ये बिस्कुट असी किधर फस गए। फिर कहता मैं पूछया भी चबारा कितने। कह लगे छन्ने असी वेड़ा कहने खालसी बोलिया भी तो गिलास में चबारा कहने। तुहानू पहले पूछा चबारे च पीना जे कि छन्ने च से थोड़ा कह सी। तुसीं कह भी चबारे च पीना पीओ छन्ना कोई नहीं मिलना इसे चबारे च पीना पैना। वह कहिंदा उधरों उन्हां निकरपाना पाइयां उधरों साडे हत्थां ते दो दो रोटियां सामने बह के साडे सामने पीओ। कहन लगे भी असीं पी खाता लिया। परत के कहा भी निहंग सिंह जी दीवान शाम नूं लाणा हुण असीं लेट लईए। कहन लगे लेट दे खोते हुंदे ने। उह आंदा भी चुप कर गए। दूजा शब्द क्या कहन लगे निहंग सिंह जी असी सौ जाइए। वो कह लगे सौंदी सुसरी होंगी खालसा नहीं सौंदा। वह कहता मैं हाथ जोड़ के क्या बापू जी सानू दसो असी की कहीए। कह लगे कहो भी खालसा रिंग बड़ी होने लगा असी सौना है। कहता सानू समझ पाई। कहना निहंग सिंह वेख के लगा मेरी कौम के शब्द सामी बैठा है। जे किसी ने विस्तार में पढ़ने हो क्योंकि मैं संखेप मात्र चलिया। भाई काम सिंह नाभा जी का मारतन गुरमत मारतन पहला पाठ महान कोश प्यारा सिंह पद्म के खालसी बोले हरजिंदर सिंह दलगीर की लिखी किताब सिख फिलासफी की है उहदे विचों पढ़ सकते हो। साढ़े वह भी बोले जिन्होंने सच की गल की ते साडे वह भी बोले जेडे साडी होंद नूं कायम करके रखे। असी सारियां दा ध्यान धर के कहने खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु। कल नूं असी दान की गल शुरू होनी है सिक्खी दान तो, पर यतन करांगा कल नूं दान की व्याख्या की जाए पर आप संगत की असीस नाल ते गुरु ग्रंथ साहिब की कृपा नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।